सरकार ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है और पाकिस्तान ने आयातित सभी वस्तुओं पर 200% शुल्क लगाने का प्रस्ताव सोमवार को राज्यसभा में पारित हो गया है। गौरतलब है कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था। इसके अलावा उच्च सदन ने मसूर बोरिक एसिड और डायनोजिस्ट और लेबोरेटरी रिजेंट पर भी बेसिक सीमा शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव में मसूर पर BDC 40% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की गई है। बोरिक एसिड पर सीमा शुल्क 17.5% से बढ़ाकर 27.5% हो जाएगा, तो वहीं डायनोजिस्ट मदों में शुल्क 20% से बढ़ाकर 30% हो जाएगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से दोनों वैधानिक प्रस्ताव पेश किए जाए और ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया है। पहले प्रस्ताव में सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 98 के तहत नए शुल्क मद शामिल करने के लिए फरवरी 2019 में जारी अधिसूचना को मंजूरी प्रदान करने की मांग की गई, जिसके तहत पाकिस्तान से आयातित सभी वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 200% करने का जिक्र है।